हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की बर्गर। वैसे तो आप लोग बर्गर घर में बनाते भी होंगे, खाते भी होंगे, ज़्यादातर लोग पसंद भी करते हैं बर्गर खाना। बहुत प्रकार से बनाया भी जाता है, मगर हम लोग मार्केट से भी लेकर खाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मार्केट में जो मिलता है बर्गर, उसका जो है अलग ही फ्लेवर आता है, अलग ही टेस्ट आता है जो उसकी टिक्की होती है। तो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, इसकी मेन टिक्की की रेसिपी, आलू टिक्की हम कैसे बनाते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हम एक बर्तन में आलू ग्रेट कर लेते हैं। उबले हुए आलू हैं, मैंने उबाल के छील के तैयार कर रखे थे। करीब 4 आलू ले रखे हैं मैंने। अब इसमें हम जो मेन चीज़ डालेंगे वो है ब्रेड क्रम्ब। मैंने यहाँ पे जो है तैयार कर रखे हैं मिक्सी में पीस के 4 ब्रेड पीस, उनको इसे इसमें डाल देंगे। मसालों में लिए मैं नमक, धनिया, खटाई थोड़ी सी ले ली है, साथ ही में ले ली है लाल मिर्ची और हरी मिर्ची भी। चटपटा तीखा बनाने के लिए खूब सारा सा इसमें डाला धनिया मैंने। अब बस इनको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। धनिया और हरी मिर्ची की वजह से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ब्रेड क्रम की वजह से बहुत क्रिस्पी बनती है। तो देखिए मिक्स हो गया है। हम जो है इसकी बनाएंगे अपनी पैटीज़। हम इसकी जो टिक्की जो बनाने वाले हैं उसका साइज़ हम रखेंगे बिल्कुल बर्गर के हिसाब से, थोड़ा मोटा और बड़ा। ये देखिए इस तरीके से अपना पैन गरम कर लेते हैं, उसमें लगाते हैं थोड़ा सा ऑयल। अब इसके ऊपर हम इसमें रख कर इसको सेकेंगे। आप एक साथ कई भी सेक सकते हैं, जितनी भी आपके तवे में आपके स्पेस है आप उस हिसाब से इसमें ले सकते हैं आराम से। और इसको मंदी आंच पर सेकेगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तेज़ गैस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मंदी गैस पर सेकेगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें सेकने में, मगर बहुत अच्छे सेक कर तैयार आते हैं। देखिए मंदी गैस पर इसको इस तरीके से आराम से पलट पलट के हम दोनों तरफ से सेक लेंगे, जब तक कि अच्छे से सिक नहीं जाती। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं चाहे तो, मगर लेकिन मैंने यहाँ तवे पर इस तरीके से सेकी हैं। इस तरीके से जो है बहुत क्रिस्पी भी बनती हैं और बहुत बढ़िया लगती है, एकदम से सिककर तैयार आती हैं। जब ये देखिए हमारी सिककर तैयार हो गई है, इनको निकाल लेते हैं। लीजिए हमारी सारी टिक्की बन के तैयार हो चुकी हैं, उधर बर्गर बन भी तैयार है। इनको काट लेते हैं बीच में से। देखिए इस तरीके से हम कट करेंगे, दोनों पार्ट्स अलग अलग बिल्कुल कर लेंगे और इनको बटर में हम सेकेंगे। बटर में थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा स्पाइसेस के लिए मैंने लिया इसमें पाव भाजी मसाला, वो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। इस तरीके से इस ढंग से अलट पलट करके आप दोनों तरफ से इसको सेक लें। तो सेकने के बाद में फिर इनको उतार लेंगे और हम इनको रखते हैं, तैयारी करते हैं बनाने की। इस तरीके से मैं अपने सारे तैयार कर लेती हूँ। देखिए मेरे सारे सिक चुके हैं। म्योनी ले ली है मैंने, आप चाहें तो आजकल रेडीमेड बर्गर म्योनी भी मिलती है, वो भी ले सकते हैं। नहीं तो अगर सिंपल प्लेन म्योनी है आपके पास तो उसमें आप ऐसे सॉस डाली, टमाटो सॉस, और आपकी म्योनी बिल्कुल बर्गर वाली बनके तैयार हो जाती है। हम लेते हैं इसमें पहले हरी चटनी, बिल्कुल चटपटा तीखा बनाना है मुझे। अब इसमें लेंगे थोड़ी सी मीठी वाली चटनी, खट्टा मीठा तीखा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। मैंने इमली वाली चटनी ली है। अब इसके ऊपर हम रख देंगे अपनी टिक्की, उसके ऊपर हम थोड़ी सी डाल देंगे प्याज, खीरा, टमाटर, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेटस वगैरह जो आपको पसंद हो आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम लगाएंगे अपनी जो हमने डिप तैयार करी थी म्योनी वाली, वो अच्छे से लगाइएगा बिल्कुल बहुत बढ़िया से। अब बस हमारे तैयार हो गए, इनको ऊपर से रख देते हैं। हमारे बर्गर्स जो हैं बिल्कुल बन के एकदम से तैयार हो गए हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसको कट करके, बहुत ही चटपटा भी बना है, बहुत ही बढ़िया, और हमारी जो टिक्की है इसकी बहुत ही बढ़िया बनकर आई है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बिल्कुल बनकर आए हैं। तो फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ आप भी एक बार घर में इस तरीके से टिक्की बना के बर्गर बनाएं, खाएं और फिर अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।